जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बालिका से दुष्कर्म करने वाला एक बालिका से दुष्कर्म करने वाला एक आरोपी को थाना बलौदा द्वारा किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया गया बरामद। आरोपी को दिनांक 27/6/2022 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 268/22 धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड विधान एवं 46501 पंजीबद्ध। थाना बलौदा क्षेत्र में रहने वाली प्रार्थिया द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25/5/2022 को कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 268/22 धारा 363 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सूरज कुमार लहरे द्वारा अपहृता को भगाने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल थाना बलौदा पुलिस द्वारा उसके घर में दबिश देकर आरोपी सूरज कुमार लहरे के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया। पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी सूरज कुमार लहरे द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366/376 भारतीय दंड विधान एवं 46501 जोड़ा गया। आरोपी सूरज कुमार लहरे उम्र 20 वर्ष ग्राम खिसोरा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 27/6/2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक पांडे, सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कंवर, प्रधान आरक्षक केदार साहू, महिला प्रधान आरक्षक राजकुमारी मार्को एवं थाना बलौदा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। छत्तीसगढ़ जानकी नगर राछा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।